हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। कुछ ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स जो कि थोड़ा सा पेन पे ट्रेड करते हुए, स्ट्रेंथ कहां पर है एक बार जरा प्लीज आप लेके आइएगा, जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा और उसके बाद में बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स को देखूंगा, फिर ट्रेड पिक करना शुरू करेंगे। कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा, HDFC बैंक आज के लिए काफी क्रिटिकल था, निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा 17522। उन कंट्रीब्यूटर्स में से आके कौन डिलीवर कर सकता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। L&T लीड लेता हुआ, और मैं जिस चीज पर आपको बात कर रहा था ना कि रिलायंस कल नहीं एक बेनिफिट देखे गया था, बट इट्स एन एडवांटेज फॉर निफ्टी टुडे। और L&T, रिलायंस, TCS, सन फार्मा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सरोकार जो है वो तीन दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स है जो ऊपर खड़े हुए हैं। L&T अच्छा करता हुआ, रिलायंस अच्छा करता हुआ, TCS अच्छा करता हुआ, लेकिन बैंक्स बैकफुट पे हैं। याद रखिएगा, बैंक्स का बैकफुट पे आना एक कारण है, वो इवेंट को देख रहे हैं और इवेंट से पहले चल भी चुके हैं, बट स्टिल एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ गुजर रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट कॉल ऑफ द डे या फिर स्टॉक ऑफ द डे जिसको मैं मार्क करना चाहता हूँ, दैट्स रिलायंस। आशीष, ये बहती जी, पहला कॉल आपकी तरफ से, आपका ट्रिक क्या है रिलायंस पे? Exactly that option race is working. I mean, वो जो 2310 का put writer था, 2300 का put writer था, आपका take इस पर, आपका पहला conviction call क्या होगा? जी, Reliance पे तो जरूर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 2310 का एक stop loss लगा current level पे तेजी की तरफ position बनाया जा सकता है, और intraday जो levels हमें देख रहे हैं 2370 तक के levels आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो अभी का मेरा कॉल रहेगा वो है सेल में बिकवाली की सलाह रहेगी। इस हिसाब से सेल कल भी 200 एमा से स्लिप हुआ है और आज थोड़ा सा प्रेशर में वापस दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सके, तो 83 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। मुझे लगता है कि इसमें 80 और इवेंचुअली 79 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 80 और 79 सेल, स्टील अथॉरिटी बेचने के मौके। इस बीच गावा सर ने हाथ उठाया है। गावा सर, आज का क्विक